राजिम के समीप ग्राम पंचायत बडोंडरा में राजिम युवा मितान क्लब का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष कमलेश निर्मलकर, उपाध्यक्ष वीणा निषाद, कोषाध्यक्ष योगेश यादव, सचिन गगन साहू, संयुक्त सचिव मुकुल सेन को संगठन कांग्रेस नेता भुवनेश्वर सिन्हा की उपस्थिति में जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस नेता भुवनेश्वर सिन्हा एवं नव नियुक्त अध्यक्ष कमलेश निर्मलकर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम युवा मितान क्लब योजना शुरू की है। प्रत्येक क्लब के संचालन के लिए सरकार सालाना 1,00,000 रुपए देगी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, खेल और संस्कृति को संरक्षित करना होगा। इस क्लब में कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 सदस्य होंगे, जिसमें से एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि से वरिष्ठ कांग्रेसी मालिक राम निषाद, सरपंच दानेंद्र सेन, सचिव कृष्ण साहू, भारत निर्मलकर, कल्लू सेन, सुमन घृत लहरे, रवि साहू, लोकेश चक्रधारी, भगीरथी छत्रपाल साहू, मोहन निर्मलकर, गजाधर साहू सहित बड़ी संख्या में क्लब के सदस्यगण मौजूद रहे। राजीव गांधी युवा मितान क्लब का आज क्लब का गठन हुआ है हमारे ग्राम पंचायत बरुंडा में, जिसका अध्यक्ष पद का दायित्व मुझे सौंपा गया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतना महत्वाकांक्षी योजना है, इसको हम आगे भी प्रगति देते रहेंगे और देश के निर्माण में हम सहयोग करेंगे। बरुंडा में राजीव गांधी युवा मितान क्लब का गठन हुआ, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को मैं सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समस्त नव निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सादर धन्यवाद और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।